राजधानी दिल्ली में आज कश्मीरी गेट के पास सुबह एक भीषण हादसा हुआ जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए जिन्हें पास ही के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। लेकिन हादसा जिस तरीके से हुआ वो हैरान कर देने वाली बात है। जो दो लोग मरे हैं उनमें से एक महिला है जो स्कूटर पर जा रही थी, और जो तीन लोग जिसमें से एक मर गया और दो घायल हैं वो बेघर लोग थे, सड़कों पर सोने वाले लोग थे। ये निगम बोध घाट के पास कश्मीरी गेट के आसपास की ये घटना है। पीछे मेरे आप देख रहे होंगे ये रास्ता है, ट्रक आता है यहाँ पर जोर से, और लोग जिस तरीके से आप ये सड़क पर देख रहे होंगे ये आप आज सामान यहाँ से सारा हटाया जा रहा है। ये लोग यहाँ सड़कों पर ही बेघर लोग हैं जो सड़कों पर सोते हैं। ये सामने रैन बसेरा है क्या हैं? इधर आओ, ये रैन बसेरा है तो इसमें क्यों नहीं सोते हैं लोग? ये लोग यहाँ सोते हैं, बाकी कुछ लोग सो जाते हैं इधर हैं, कुछ लोग इधर सो जाते हैं। तो रैन बसेरा भी तो है, इसमें अंदर नहीं सोते हैं क्या? फुल हो जाता है सर, बंदे में जगह नहीं होता, उतने बंदे में जगह नहीं होता, फुल हो जाता है, जगह नहीं होता तो बाहर सो जाते हैं, बाहर सो जाते हैं। तो जो बेघर लोग हैं, दरअसल ये पीछे ही इसके ठीक सामने ही एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ पर जो लोग बेघर हैं उनको जब जगह नहीं मिल पाती तो वो बाहर फुटपाथ पर सो पाते हैं। कोई जगह नहीं मिल पाती, बड़े-बड़े सोते हैं, कोई गाड़ी वाला चढ़ा जाता है, चला जाता है। वो फुटपाथ पर सोए हुए लोग थे, तो जिनके ऊपर सुबह 6:30 बजे के करीब एक ट्रक आता है, टाटा 407 ट्रक बताया जा रहा है, वो आता है और यहाँ पर जो फुटपाथ पर लोग सो रहे थे उनके ऊपर चढ़ता हुआ यहाँ पर, ठीक ये आप देख रहे होंगे जगह, यहाँ पर आकर रुकता है। तो क्या स्पीड रही होगी, उसने पूरा ये ड्राइव डिवाइडर तोड़ दिया और डिवाइडर के बाद यहाँ आकर रुका। लेकिन रुकने से पहले वो अपनी चपेट में एक महिला जो स्कूटरी पे जा रही थी सुबह सुबह 6:30 बजे के इस वक्त का है, उसको अपनी चपेट में ले लिया, जिस महिला की मौत हो गई। साथ में जो बेघर लोग थे जो यहाँ फुटपाथ पे सो रहे थे उनमें से भी एक की मौत हो गई और दो गंभीर रूप से घायल हुए हैं जो कि ट्रॉमा सेंटर में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। कैमरामैन संजय के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली।